नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्रोकरेजेस के बारे में, और जो करेंसी ट्रेडिंग में आप समझ लीजिए या F&O ट्रेडिंग में जो कॉमन ब्रोकरेजेस होती हैं, जो कॉमन चार्जेस हमारे ऊपर लगते हैं जब हम ट्रेडिंग करते हैं ब्रोकर के द्वारा, तो उसकी चर्चा करेंगे। और मैं एक आपको छोटा सा कंपैरिजन बताऊंगा एक ब्रोकर के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया था और मैं उससे डिसअपॉइंट हुआ, तो दोस्तों उसके बारे में बताऊंगा। तो आप देखिए वीडियो, और यदि आप भी उस ब्रोकर के मेरा जो पॉइंट है आपको वैलिड लगता है तो आप भी अपना अकाउंट चेक कीजिएगा, कभी आपके ऊपर भी उस तरीके के चार्जेस तो नहीं लग रहे हैं या आप हायर चार्जेस में ट्रैप तो नहीं हो गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि ब्रोकर्स चार्जेस हम लगाते हैं, तो मैं इसमें आपको कुछ ब्रोकर्स का दिखाना चाहूंगा। जो वेबसाइट मैंने ओपन की है वो मैं दिखाना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। तो मैं किसी भी ब्रोकर को अभी प्रमोट नहीं कर रहा हूं, तो इसलिए मैं केवल उनकी वेबसाइट से मैंने उनका जो डेटा है वो देखा था और उसे मैं कंपेयर कर रहा था, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। तो कुछ नाम हम ले सकते हैं ब्रोकर्स के, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि ज़रोदा है, ज़रोदा में अगर आप देखेंगे करेंसी में हम गए, इनके ब्रोकरेज प्लान में गए, तो इसमें ब्रोकरेज जो है वो 20 रुपए पर ऑर्डर है, वो बिल्कुल ठीक है, जो सभी ब्रोकर ऑलमोस्ट ले ही रहे हैं। और STT, क्योंकि आपको पता है करेंसी ट्रेडिंग में STT नहीं लगता है, तो STT ये भी नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स गुड। ट्रांजेक्शन चार्जेस दोस्तों, जो कैच है इस वीडियो में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो मेन है ट्रांजेक्शन चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन चार्जेस इन्होंने 0.0009% लिखा है NSE का। हम बेसिकली NSE में ही ज्यादा ट्रेड करते हैं, हमारा ट्रेड NSE में ही होता है, तो फ्यूचर्स में करेंसी में 0.0009% है। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन चार्जेस हम 1 करोड़ की कैपिटल में कैलकुलेट करेंगे, तो GST है और SEBI है 10 रुपए पर करोड़, तो टर्नओवर पे 10 रुपए पर करोड़ SEBI का चार्जेस है और स्टैम्प चार्जेस हैं। तो दोस्तों इसमें हमें जो ब्रोकरेजेस लगी, जो इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस थी, वो ब्रोकर की ब्रोकरेज हो गई, ट्रांजेक्शन चार्जेस हो गए, ब्रोकर्स क्लियरिंग चार्जेस लगाते हैं, GST हो गया, SEBI चार्जेस हो गए और स्टैम्प चार्जेस हो गए। इसके बाद दोस्तों अगला कंपैरिजन देख लेते हैं एंजल ब्रोकिंग का। तो एंजल ब्रोकिंग में आप देखेंगे तो इनका भी ऑलमोस्ट ज़ेरोदा के बराबर ही है, ये भी ट्रांजेक्शन चार्जेस NSE का 0.009% ले रहे हैं। पर दोस्तों अब आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एलिस ब्लू के बारे में बता रहा हूं। इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं दोस्तों कि रिसेंटली मैंने अपना एलिस ब्लू के जो मार्केटिंग टीम थी उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था और मुझे बोला था कि मैं इन्हें बोलूं अपने वीडियोस में प्रमोट करूं, लिंक प्रमोट करूं। तो दोस्तों मैंने इसमें एक अकाउंट खुलवाया था और मैं इसमें ट्रेड कर रहा था, और ट्रेडिंग के दौरान मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हुआ। इनकी ट्रेडिंग सर्विसेज तो ठीक है, लेकिन जो इनकी ब्रोकरेज सर्विसेज हैं उसको लेकर मैं काफी डिसअपॉइंटेड हुआ, और मैं इसी वीडियो में इस बारे में आपको बता रहा हूं। जैसा कि इन्होंने सबसे पहले मुझे पर लॉट का ऑर्डर, पर जो इनका एक ट्रेड प्रो प्लान चलता था जिसमें इन्होंने मुझे पर लॉट से चार्जेस किए, जब मैंने ब्रोकरेजेस चेक की और मैंने कस्टमर केयर में कंसर्न रेज किया, हालांकि ये अपना फ्रीडम 15 नाम से प्लान लॉन्च कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद फ्रीडम 15 में ये बोलते हैं कि ये पर ब्रोकरेज 15 रुपीज ऑर्डर लेते हैं, बाय साइड सेल साइड तो आपका 30 रुपीज बन जाता है बाय और सेल लेने पे। तो दोस्तों ये प्लान अच्छा लगा क्योंकि सभी ब्रोकर 20 रुपए ले रहे थे, तो ये 15 रुपए ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब मेरे साथ इनिशियली ये हुआ कि जब ट्रेड प्रो प्लान में था और मैं मान रहा था कि मैं फ्रीडम 15 में मेरा चार्ज लगेगा, तो जब मेरे चार्जेस कटे पर लॉट के हिसाब से मेरे चार्जेस कटे, जिसमें 1 पैसा पर लॉट इन्होंने मुझे चार्ज किया, तो जैसे मैंने यदि 50 या 100 लॉट्स लिए थे तो मेरा सीधा सीधा 1 पैसा उसमें चला जाता है, जबकि वहां अगर 15 रुपए की बात करें तो 50 लॉट्स की बात करें तो 500 रुपया पर साइड, यानी आपके 1000 रुपए, यानी आपके 2 पैसे तो वैसे ही चले गए प्रॉफिट के इनकी ब्रोकरेजेस में, और जबकि 15 ये फ्रीडम 15 प्लान के अकॉर्डिंग इनके 30 रुपए ही जाने चाहिए थे, तो कहां 1000 रुपए और कहां 30 रुपए। दूसरी बात, जब मैंने कंसर्न रेज किया तो इन्होंने बोला कि आप हमारे सर्विस से इसे चेंज कर सकते हैं, लॉग इन करके चेंज कर सकते हैं, तो उसके बाद मैंने चेंज भी किया। तो दोस्तों इसमें कैच ये है कि यदि आप ट्रेड प्रो प्लान इन एलिस ब्लू के अगर आपके पास अकाउंट है और आप ट्रेडिंग करते हैं,
और आप ट्रेड प्रो प्लान यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों आप बिल्कुल जागरूक हो जाइए कि इन्होंने आपसे बहुत हाई चार्ज ये लोग कर रहे हैं। दूसरी बात जब हम फ्रीडम 15 में मैं कुछ दिन इसमें ट्रेड किया तो दोस्तों मैं फिर से काफी डिसअपॉइंट हुआ, काफी मैंने परेशान हुआ, और मैंने जब इसका डेटा देखा तो मुझे इसमें कैच मिला ट्रेडिंग चार्जेस और क्लियरिंग चार्जेस में। तो दोस्तों जैसा अब मैं आपको दिखाता हूं, इस क्वांटिटी को मैंने 1 करोड़ लगा दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 0.0009% बाकी ब्रोकर्स जो हैं ले रहे हैं, और ये लोग, और मैंने इसमें अभी इनका जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसमें मैंने डाला, बाय में डाला 73.6 की वैल्यू मैंने बाय की और 73.61 की वैल्यू बाय की। 70 लॉट्स हैं, ये 70,000 क्वांटिटी हो जाती है, 70 लॉट्स हैं, और 2 ऑर्डर डाले, यानी एक बाय का डाला एक सेल का डाला। तो इनका जो ब्रोकरेज प्लान है उसके अकॉर्डिंग तो जो आपका टर्नओवर बना, दोस्तों टर्नओवर क्या होता है, जो बाय वैल्यू है 73.6 इनटू क्वांटिटी इनटू आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी 73.6 इनटू क्वांटिटी और इसी तरह सेल वैल्यू 73.61 इनटू क्वांटिटी, इन दोनों को आप सम करेंगे तो आपका टर्नओवर बनता है। तो हमने इस टर्नओवर को ऑलमोस्ट 1 करोड़ के बराबर लगा दिया। तो 1 करोड़ के टर्नओवर में आप देखेंगे तो ब्रोकरेज ये ले रहे हैं 30 रुपए, जो कि ठीक है, जो कन्विंस भी ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये ट्रांजेक्शन चार्जेस आपसे 206 रुपए ले रहे हैं, यानी 200 रुपए आप मानिए, और क्लियरिंग चार्जेस भी 200 रुपए ले रहे हैं, और जीएसटी भी इस सम के ऊपर लगा रहे हैं। तो दोस्तों आप इससे, और सेबी चार्जेस 15 रुपए ले रहे हैं। तो दोस्तों आप इससे देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहां जो आपका ट्रांजेक्शन चार्ज है वो 90 रुपए है। यदि आप इसको करोड़ में चेंज करेंगे, इस परसेंटेज वैल्यू को करोड़ में चेंज करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो वो यहाँ 90 रुपए बनती है, और यहाँ ये लोग 200 रुपए ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका कैच है, यहाँ आपका ट्रेडिंग का कैच है, यानी अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ज्यादा बार बार ट्रेड भी करते हैं, एक दिन में 2 से 3 सौदे भी करते हैं, तो दोस्तों अगर आप 70 लॉट के पास आ जाते हैं आपका 1 करोड़ का टर्नओवर हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम बाय करते हैं हमें लॉस हो जाता है, मान लीजिए 5 पैसे का लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हम अगला ट्रेड करते हैं हमें 8 पैसे का प्रॉफिट हो जाता है, हम सोचते हैं नेट प्रॉफिट 3 पैसे का है, और क्योंकि हमारा डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान है तो 1.5 पैसा ब्रोकरेज होगी। लेकिन जब हम ब्रोकरेज डे एंड पे चेक करते हैं, रिपोर्ट चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी जेब से ही पैसा चला गया, डिस्पाइट कि हमने 3 पैसे गेन किया था। तो दोस्तों वहां जो कैच है वो ये ट्रांजेक्शन चार्ज और क्लियरिंग चार्ज में आपको मिलता है। तो आप इसे जरूर देखिएगा, और इसमें आप देखिएगा कि ये 200 रुपए पर लॉट ले रहे हैं, बाकी 90 रुपए लेते हैं, 90 रुपए पर करोड़ लेते हैं ट्रांजेक्शन में। ये सेबी के 15 रुपए चार्ज कर रहे हैं, जबकि सेबी के यहाँ 10 रुपए पर करोड़ पे चार्ज लिखा है, और इस वजह से, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन और क्लियरिंग चार्ज आपसे बहुत ज्यादा ले रहे हैं, तो आपका जीएसटी भी बहुत ज्यादा बन जाता है। इसी चीज को दोस्तों हमने यहाँ एक ब्रोकरेज कैलकुलेटर बना के समझाने की कोशिश की है। यहाँ मैंने इनका कंपैरिजन लिखने की कोशिश की थी। ज़ेरोधा में एक कैच और है, अगर आप ज़ेरोधा के यूजर हैं तो एक चीज जरूर देखिएगा कि ज़ेरोधा बोलता है कि क्लियरिंग चार्जेस वो नहीं लेते हैं, क्योंकि दोस्तों क्लियरिंग चार्जेस जो ब्रोकर फर्म होती हैं उन्हें क्लियरिंग और सेटलमेंट करने के लिए जो चार्जेस लेते हैं वो होते हैं। तो ज़ेरोधा बोलता है हमारा अपना क्लियरिंग प्लेटफॉर्म है तो हम क्लियरिंग चार्जेस नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों ज़ेरोधा ट्रांजेक्शन और क्लियरिंग चार्जेस को कंबाइन करके ट्रांजेक्शन चार्ज में ही वैल्यू ले ले रहा है। जैसा कि आप स्टॉक्स में आप देखेंगे तो ये क्लियरिंग और ट्रांजेक्शन चार्जेस को अलग अलग करता है, जो कि 1.33 पैसा बनता है, लेकिन ज़ेरोधा अपने आप में ही 1.33 पैसा ले लेता है डायरेक्ट ट्रांजेक्शन चार्जेस के नाम से। तो दोस्तों यहाँ एक इनका मार्केटिंग कैच है कि ये आपको क्लियरिंग चार्जेस के नाम पे मना करते हैं, लेकिन आपसे ट्रांजेक्शन चार्ज में ही पूरा क्लियरिंग चार्ज ले रहे हैं, ये आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये मैंने कैलकुलेशन इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर से की थी, तो आप देख लीजिएगा ब्रोकरेज कैलकुलेटर में भी। तो दोस्तों नीचे अगर आप देखें, मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखा रहा हूं जिसमें हमने ये 0.009% ट्रांजेक्शन चार्ज लिया है, क्लियरिंग चार्ज लिया है 0.004%, जीएसटी लिया है, और सेबी लिया है 5 रुपए पर करोड़, या इसे 10 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक क्वांटिटी है, जैसा कि हम डालते हैं 73.6 में हमने बाय किया और 73.61 में हमने सेल किया, और लॉट साइज 1000 का है, टर्नओवर हो गया 14 लाख। तो दोस्तों इस टर्नओवर को यदि हम ऑलमोस्ट अगर हम इसे 1 करोड़ के आसपास ले आए, इस टर्नओवर को यदि हम 1 करोड़ के आसपास ले आए, तो आपका इस ट्रेड में, 1 पैसे के इस ट्रेड में जो आपका टर्नओवर था वो 1 करोड़ था, तो आपका नेट अमाउंट, जो आपका गेन अमाउंट है, वो 680 रुपीज होता है। 680 रुपीज में आप एलिस ब्लू जैसे ब्रोकर के साथ आप यहाँ 200 रुपए देना चाहेंगे या 90 रुपए देना चाहेंगे,
क्लियरिंग चार्जेस के नाम पे आप 40 रुपए देना चाहेंगे या 200 रुपए देना चाहेंगे, और जब आप इनका कंबाइंड करके जीएसटी 18% लगाएंगे तो वो ऑलरेडी यहाँ कम हो जाता है, जो उनका बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ जब आप डेली ट्रेडिंग करते हैं, ये छोटे छोटे चार्जेस जो बनते रहते हैं, इसका आप मंथली सम अप करेंगे, आप अपनी ट्रेडिंग रिपोर्ट बनाते हैं और मंथली आप सम अप करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप जितना आप ट्रेड कर पा रहे हैं उससे ज्यादा आप ब्रोकरेज दे देते हैं। तो दोस्तों इसमें एक कैच है, तो ये जब भी आप ब्रोकर सेलेक्ट करें तो ये जरूर देखिएगा कि ये आपको कितना ट्रांजेक्शन चार्ज और क्लियरिंग चार्जेस चार्ज कर रहे हैं, और बाकी ब्रोकर से भी आप जरूर इन्हें कंपेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था। हालांकि हमें एक ब्रोकर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड हैं पुणे से प्रशांत जी, उन्होंने हमें भेजा कि एक ब्रोकर है जो बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज पे चार्ज करवाते हैं, उनका ट्रांजेक्शन चार्ज भी 90 रुपीज है, क्लियरिंग चार्ज 0 है। तो दोस्तों अब हम उसमें एक अकाउंट ओपन करके हम कोशिश करेंगे उनके साथ ट्रेड करने की, और देखेंगे कि उनके साथ अगर फ्रूटफुल रहेगा तो हम अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।